Hey guys, I'm Pia Dida, so welcome back to our channel. So, आज हम लोग जाने वाले हैं महामृत्युंजय टेम्पल जो कि है कालीकुजी में. सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा वो वीडियो. और बहुत फेमस है वो प्लेस. अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है, सिर्फ ओपनिंग हुआ है. सो हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए कैसा है वो जगह. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. चलो चलते हैं, तुम्हें लेके चलते हैं. गो, चलो. Let's go. चलो तुमको लेके चलते हैं, सबको लेके चलते हैं महामृत्युंजय टेम्पल की दर्शन करने. सो बेसिकली हम लोग अभी गुवाहाटी से निकले. सो गुवाहाटी से वो मंदिर 131 किलोमीटर की दूरी पे है जो कि 2 घंटे 35 मिनट का रास्ते का है. तो 15-20 मिनट का ब्रेक देके मिडिल में तो हम लोग लगभग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे. तो इस सफ़र का आनंद लो. बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर रास्ते हैं. तो फिर चलो हमारे साथ भोलेनाथ का नाम लेके, क्योंकि भोलेनाथ का ही दर्शन करने जा रहे हैं. तो फिर चलो हर हर महादेव. और मंजिल तो मिलेगा ही, रास्ते का आनंद लो, वरना मंजिल की फिक्र करके रास्ते बुरा मान जाएंगे. तो फिर चलो एक हसीन और सुनहरे सफ़र. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कि मैं केदारनाथ गया, फिर बहुत सारे मंदिरों में विज़िट किया, क्योंकि कण कण में भोलेनाथ आपका ही वास है. हर भक्त आपके लिए खास है. जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती पे, तब खो जाता हूँ मैं भोलेनाथ की मस्ती में. हर हर महादेव, हर हर महादेव. सो अभी हम खाने पर पहुँच रहे हैं, छोड़ के आ गए, सॉरी माय बैड. सो अभी हम जा रहे हैं सीधे रास्ते से. एक ड्राइवर चलाएगा जो कि शिलोंग जाता है माय राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ नहीं, सीधा अपनी मंजिल. और रास्ते में ये मंदिर मिलेगा आपको, ये है गणेश जी के मंदिर. यहाँ पे कुछ भेंट करके जाते हैं कुछ लोग कि सफ़र अच्छा हो या फिर दुआ मिले. तो हम लोगों ने भी वही किया, चल पड़े अपने रास्ते पर. जाते 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 और ये रहा मेरे दोस्त सब जो है, सुदीप शाह, ओबी शाह, शुभम शाह और विशाल शाह. ये 4 स्क्वायर है शाह का, बहुत शातिर है लोग. और ये देखो हम लोग को मिल गया ये द डाइवर्शन, शिलोंग लेफ्ट, नौगांव स्ट्रेट, डिब्रूगढ़ स्ट्रेट. तो हाँ, शिलोंग कभी टेम्प्ट करता है इस रास्ते में आने से. कभी जब भी आता हो तो शिलोंग जाने का मन करता है. रुको 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 रुको, अभी नहीं, पहले मंजिल की ओर जाएंगे. कभी और जाएंगे ना, कहाँ जा रहे हैं, यहीं पे तो है, जाएंगे कभी, जल्दी जाएंगे. तो फिर हाँ चलो चलते हैं अपने रास्ते पे. यही तो आनंद है रास्ते का, वो सफ़र ही क्या जिसमें सुकून ही ना हो. वो सफ़र ही क्या जिसमें सुकून ही ना हो. सफ़र ऐसा चुनो जिसमें सुकून हो. अच्छा लगता है ऐसे सफ़र में जाने के लिए. आप लोगों को लेके चलता हूँ इसलिए, दिखाने के लिए कितनी हसीन सफ़र में जा रहे हैं हम लोग. और ये देखो काजीरंगा स्ट्रेट, जोरहाट स्ट्रेट, डिब्रूगढ़ स्ट्रेट, ये तीन जगह पे हम लोग को जाना ही नहीं है, लेकिन हम लोग को स्ट्रेट जाना है. बट दैट्स इट. जिस मंजिल में हम रोते हैं उस मंजिल में भोलेनाथ हमारे साथ होते हैं. तो फिर इस मंजिल में हम लोग रोए नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हम लोग का भोलेनाथ हम लोग के साथ है. और बाबा का दर्शन हमेशा दूर ही होता है. अरे बाबा, वही देखो नज़ारा देखो, आप सिर्फ नज़ारा देखो, कितना कितना अच्छा है, कितना अच्छा नज़ारा है. ऐसा नज़ारा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको. और ये हाईवे बाप कितना अच्छा है, हाईवे कहीं पे भी कोई भी गड्ढा वड्ढा कुछ भी नहीं है, एकदम स्मूथ है, स्मूथ. और अरे भाई, हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो हम लोग जा रहे हैं. वो गाड़ी वाला कुछ भी कर लेता है. देखो अब नज़ारा देखो, नज़ारा देखो. आई एम सॉरी फॉर माई स्टेबिलिटी, ये पूरा आईफोन से क्लिक किया हुआ है और ट्राइपॉड लगा हुआ था हाथ में था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट. बट देखो अब देखो कितनी अच्छा है ये
नज़ारा। और हम लोग क्या है, हम लोग चलते रहते हैं यहाँ पे 131 किलोमीटर 128 किलोमीटर, क्योंकि मेरे घर से गुवाहाटी तक आते हुए तो हम लोग को बहुत किलोमीटर्स कम्प्लीट करना है, तो 128 130 तो किलोमीटर आते रहते हो, तो आदत जो होगी बिना रोके भी जा सकते हैं। बट रुके थे हम लोग, थोड़ा चाय वाय पिए और ये नज़ारा का आनंद लीजिए, कितना अच्छा है। देखो कितनी सुकून भरी रास्ते है। तो फिर हाँ, और अब हम पहुंच गए टोल गेट। जो एक टोल गेट मिलता था पहले, वो खानापारा क्रॉस करने के बाद और एक टोल गेट मिलता ही है, तो पहले वाला हम लोग ने फिल्मिंग नहीं किए तो इसलिए हम लोग को दिखा नहीं पाए। तो बाइक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग निकल जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के लिए यहाँ पे करके आना पड़ता है। तो हाँ, तो फिर से निकल पड़ो सीधे रास्ते पे, कोई राइट टर्न नहीं, कोई लेफ्ट टर्न नहीं, सीधे एकदम सीधे मंजिल की ओर, रास्ते को ध्यान में रखते हुए सीधे मंजिल की ओर। देखो नौगांव इस तरफ 12 किलोमीटर डिब्रूगढ़ सीधा। एक्चुअली बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि नौगांव पे है वो मीन्स वो मंदिर, बट नौगांव पे नहीं है भाई, नौगांव पे नहीं है, फॉर इंफॉर्मेशन। वो मंदिर है नौगांव से 2 किलोमीटर के बाद। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काजीरंगा स्ट्रेट, नौगांव राइट, फिर डाको इस तरफ। तो हम लोग ये चौक से निकल जाएंगे सीधे एकदम, देखो घूम के आप लोग देख सकते हो कि इस तरफ से ये राइट वाला लेन नौगांव चला जाता है। तो हम लोग स्ट्रेट निकल गए, तो स्ट्रेट जाते जाते बहुत दूर जाते जाते चलते रहे टायर्ड हो गए, क्योंकि मंजिल को देखना है हम लोगों को। दिल में एक उम्मीद लेके आए थे इतने दूर से कि मंजिल मिलेगी, कब दिखेंगे, कब दर्शन होगा भोलेनाथ का। तो हम लोग चलते फिर आप लोग सीधे चलते जाना वो चौक से 12-13 किलोमीटर आप सीधे आ जाना, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। फिर आपको एक यू टर्न मिलेगा, तो आपको होर्डिंग दिखाई दे कि इस तरफ एक गेट है, तो यहाँ से निकल पड़ो। थोड़ा कच्चा रास्ता है लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, वन वे है, बहुत ही अच्छा है। सीधे चलो, सीधे चलते रहो, और आप देख सकते हो मेरे दोस्त का, शुभम शाह का एक्साइटमेंट, उसको मीन्स वो क्या उसको ना शिव जी का टॉप दिखाई दिया। तो ये ऐसे एक्साइटमेंट के लिए हम लोग जाने जाते हैं, मीन्स एक्साइटेड है, कब से चला रहे हैं हम लोग बाइक, 2 घंटे 35 मिनट 3 घंटे होने वाले हैं बाइक चला ही रहे। तो मैंने सुकून मिलता है जब आपको मंजिल मिल जाए। तो यही है जो जगह है हम लोग आने वाले हैं, यही पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप लोग सीधे चले जाओ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और गूगल में उसका सहारा ले लेना ज़रूर, और गाय बच रहे हाँ मिल में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्न बजा देना, उतने स्पीड मत देना यहाँ पे ऐसे, ये तो फर्स्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ये। तो हाँ चलते हैं, और हम लोग नियरली पहुँच ही गए, और यहाँ से पार्किंग लेता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया, लोग पैसे देके पार्किंग करते हैं, तो हम लोग को अननेसेसरी पैसे वेस्ट करना नहीं है। तो आप देख सकते हो सब कुछ है, पान की दुकान सब कुछ है, आप सामने देखो। इस मंजिल की सफर में हम खो गए हैं, ऐसे खो गए हैं कि पता नहीं चला कब मंजिल तक पहुँच गए। और फिर हम लोग चल दिए, बाइक पार्किंग कर दिया वहाँ पे, नॉर्मल पार्किंग कर दिए, फिर चल दिए लाइन में खड़े हो गए। फिर जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे सब लोग अपने चप्पल जो भी है अपने पेयर सब खोल रहे, फिर वहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लाइन बन के यहाँ से शुरू हो के फिर बाबा का दर्शन। अभी भी इंतज़ार हो रहा है लाइन में खड़े हुए के दर्शन करने का, इंतजार ही हो रहा है। सो बेसिकली बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही भीड़ है, सब लोग देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ है,
सब लोग, कुछ लोग तो फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग हम लोग के साथ में लाइन में हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये मंदिर को देखने के लिए, ये बाबा जी का द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग। और कुछ देर की इंतज़ार, फिर हम और आप सब लोग मिलके दर्शन कर सकेंगे भोले बाबा के। सही बोले ना? वैसे यहाँ पे वीडियोग्राफी का अलाउंस नहीं है, फोटो नहीं है, जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये सब अपने रिस्क में किया है। अगर आप लोग पकड़ जाते हो तो मेरा नाम मत बोलना, अंदर का फोटो कुछ भी क्लिक करने देता है, बट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आया है। अब देखो, फाइनली हम लोग को दर्शन हो गया है और हम लोग भीतर गए थे, बहुत भीड़ था वहाँ पे और हम लोग घुसे भीतर में, फोटो खींचने अलाउ नहीं है, एक्चुअली बहुत भीड़ है, बहुत संडे है, ज्यादा भीड़ है। हम लोग को वहाँ पे थोड़ा टाइम दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल के, हम लोग टीका, अब देख सकते हैं टीका लगाया और प्रसाद दिया हम लोग को, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकल गए। बट अभी ये रात को इतना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ पे, यहाँ से एक्चुअली बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। So that's it, done with your video. रात का शूट नहीं किया, होप जितना दिखाया आप लोगों को अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन मिले आपको। पिक्चर्स अलाउड नहीं है अंदर, ध्यान में रखना, फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर, जो कुछ भी है तो आप बाहर से फ़ोटो खींच लेना। सो होप आपको बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ये लाइक बटन दबा दीजिए और जो लाल कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उसको करके बजा दीजिए, और जब घंटी ऐसा लगा कि मंदिर की घंटी बजा के आ गए तो बजा दो। तो दैट्स इट, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, और इस वीडियो के बारे में कुछ जानना हो या फिर गूगल मैप्स का सहारा चाहिए या फिर हम लोग के पेज का सहारा चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरी डिटेल्स आर ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ ग्रैब द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप। Take care. See you soon. Don't forget to subscribe.